बाद में बात करना जरा, हम बहुत व्यस्त हैं भैया, थोड़ा थोड़ा और रामद भाई समय सामने सब कुछ 10 बार मना भी किया होगा मत करो ये काम, आप एस पी साहब मोबाइल 10 मिनट में नहीं आएंगे, कल एसीएस की बैठक नहीं होने दूंगा मैं, जबलपुर बता देना। अब बहुत हो गई, कैसे उनने ये FIR करी, हमारे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष है, पार्षद है, 5-5 कैसे मामला कायम किया, नहीं आएंगे अंदर, यही बात करेगा एस पी आके, नहीं करना है भाई साहब। कोई बात नहीं होगी, एस पी यही आएगा, पूछे तो अगर मेरे भाई यार उनको बोले यार, हम तो बड़े भाई यार पूरे मामले को बिगाड़ने वाला, कल को MPP की तरफ से कोई बात होगी, कल को हमारी सरकार की तरफ से कोई बात होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई बात होगी, उसका इंचार्ज होंगे आदित्य प्रताप सिंह। निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो MPP के अधिकारी थे उनको इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि प्रजातांत्रिक रूप से हर एक जनप्रतिनिधि को और आम नागरिक को अपनी बात को कहने का अधिकार है। यदि हमारे पार्षद कोई समस्या को लेके गए थे और जब वो बात कर रहे थे तो वास्तव में जनता की समस्या होगी तब जनप्रतिनिधि जाता था, और फिर भी वो मामला हुआ, उसमें हमारे नगर अध्यक्ष जी गए, विधायक जी गए, दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य बना, सामंजस्य के बाद में बात समाप्त भी हो गई। लेकिन रात में 12 बजे के बाद में आके MPP के अधिकारियों का आना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्षों के ऊपर, पार्षदों के ऊपर मामला लगाना, उसको लेके जब हमने कल 1:15 बजे हमारे एक अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रीत सिंह सेंगर, जब उनसे विवाद हुआ था तब हमारे बाकी पार्टी के लोग गए थे, उनको जब चैम्बर से बाहर किया गया कि चौधरी जी आप जाओ, आपसे बात नहीं करते, इस प्रकार से जातिवाचक शब्दों का उपयोग किया गया, तब हमारे पार्टी के लोग पहुँचे। हमने कल भी आवेदन दिया था, जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हम लोग सब लोग आए, SP साहब से चर्चा करी और अंततः SP ने आदेश किया है कि इनके ऊपर भी जो कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर है वो अनुसूचित जाति एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए मामला दर्ज हो रहा है।